बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि एक बड़ी बहस चली हुई है मुल्क के अंदर कि मुल्क को लॉकडाउन कर देना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरा लॉकडाउन होता क्या है। पूरा लॉकडाउन का मतलब मुल्क में कर्फ्यू लगाना। कर्फ्यू का मतलब ये कि शहरियों को घरों में बंद करके और पुलिस और फौज के जरिए पहरा देना ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। लेकिन हमारा मसला क्या है? 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब वो दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। और इनके पास क्या वसाइल होंगे कि ये दो हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें? हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इन सारों को घरों में खाना पहुंचा सकें? अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है। ये चाइना ने किया था, लेकिन चाइना दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है, और उन्होंने जब किया था तो उनके पास एक पूरा एक सिस्टम था और पैसा था और खुराक थी, वो कर सके थे। हमारा इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। मैं अगर पूरा लॉकडाउन करता हूँ तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का क्या बनेगा, ये जो 25% मेरे गरीब लोग हैं। जो मैं कह सकता हूं वो ये कि आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए, आपको खुद सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए। सेल्फ क्वारंटीन का क्या मतलब कि अगर आपको कोई फ्लू हो रहा है या जुकाम है या खांसी है, खुद अपने घरों में रहें। इसको सेल्फ क्वारंटीन कहते हैं, बजाय अस्पताल जाने के। क्योंकि 90% आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बूढ़े हैं, जिनका हमारी जिम्मेदारी है ध्यान रखना, उनको जाना पड़ेगा अस्पताल, जिनको सांस की मुश्किलात हो, तो उनके लिए हमने अस्पताल में जगह रखी हुई है। लेकिन अगर ये बीमारी तेजी से फैलती है, और तेजी से तब फैलेगी अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, अगर मेरी आवाम एहतियात नहीं करेगी, और अगर वो शादियां अपने घरों में करेगी, और वो खाने लोगों के घरों में करेंगे, और जाके इस टाइम पे छुट्टी बनाएंगे, सारे मिल मिला के कुछ लोग जमा हो जाएंगे, तो अगर ये तेजी से फैलती है हम बहुत बड़ा जुल्म करेंगे अपने बूढ़ों के और बुजुर्गों के ऊपर, क्योंकि उनकी जानों को खतरा है अगर उनको कोरोना हो जाए। इसलिए अपने ऊपर डिसिप्लिन करें, हिकमत और अकल का इस्तेमाल करें। हमने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स अब सारी जगह बंद कर दिए हैं, हमने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, क्रिकेट मैचेस सब खत्म कर दिए हैं, लेकिन आखिर में मैं आपके ऊपर, आपकी जिम्मेदारी है कि खुद अपने ऊपर एहतियात करें। देखें, एक इंसान को अल्लाह ने कहा है कि उसके ईमान को अल्लाह मुश्किल वक्त से आजमाता है। असल इंसान के ईमान का पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में क्या खड़ा रहता है या नहीं। उसी तरह एक कौम का एक मुश्किल वक्त में पता चलता है कि क्या कैरेक्टर है। मैंने अपनी कौम को 2005 के जलजले में देखा हुआ है, और मैंने अपनी कौम को 2010 में जब फ्लड आया तब देखा हुआ है। मुझे फख्र है अपने कौम के ऊपर। बड़े बड़े हमें तकलीफें भी हैं कि हमारी कौम ने कई जगह वो नहीं किया जो हम समझते थे, लेकिन जो उन दो मुश्किल वक्तों में पाकिस्तानी कौम ने किया, चाहे बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे या यहाँ, सारी कौम ने मिलकर उनका मुकाबला किया और हम निकल आए उन दोनों मुश्किल वक्तों से। आज भी मुझे आपकी ज़रूरत है। आपने अगर सही माने में एहतियात ना की, हम सारी कौम को नुकसान होगा। अगर मैं पूरी तरह लॉकडाउन लगाऊंगा, उसके और असरात होंगे और वो सबको मुश्किलें पड़ेंगी। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि अपने ऊपर डिसिप्लिन, अपने ऊपर लॉकडाउन भी करें, और फिर अगर कोई भी आपको
खांसी होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है, खुद सेल्फ क्वारंटाइन करें, घर में रहें, और आप जितना इस डिसिप्लिन के ऊपर चलेंगे इंशाल्लाह उस तरह जिस तरह चाइना निकला है इस मुश्किल वक्त से, हम भी निकल जाएंगे। और इसलिए मैं आपसे पूरी उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि आपने मुझे मायूस नहीं करना। आप अपने जेहन में डाल लें कि मैं सारा वक्त, मैं और मेरी टीम सिर्फ ये सोच रही है कोरोना वायरस का कैसे मुकाबला करना है, हमने अपनी बिजनेसेस को कैसे देखना है, इंडस्ट्री को कैसे देखना है। इंशाल्लाह परसों मैं इसके ऊपर पूरी आपके सामने आऊँगा और बताऊँगा कि हम क्या क्या करने लगे अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जो आपको खौफ है कि यहाँ अनाज की कमी ना हो जाए, कोई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खाने पीने की चीज़ें इतनी हैं कि हमें किसी किस्म का किसी को लोगों को ज़खीरांदोज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, हमें ख़तरा सबसे ज़्यादा किससे है? कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरा हमें एक अफरा तफरी से है, पैनिक से है। अगर लोग घबरा गए, सारों ने जाके चीज़ें खरीदने शुरू कर दी, पैसे वाले लोगों ने अपने घरों में सामान जमा करना शुरू कर दिया, वो कमी हो गई, और उसकी वजह से लोग घबरा के और वो हरकतें करना शुरू कर दें जिससे वाकई हमारे माशरे को नुकसान होगा। कोरोना से ज़्यादा नुकसान अफरा तफरी से होगा, पैनिक से होगा। इसलिए आपको मेरे पे पूरा इत्माद करना चाहिए। ये अपने जेहन में डाल लें कि सारा वक्त मैं इसी चीज़ के ऊपर, मैं और मेरी टीम सोच रही है कि हमने कैसे इस वायरस से निकलना है, कैसे आपकी ज़िंदगी बेहतर करनी है, आसान करनी है, कैसे आपकी मुश्किलें कम करनी है। जो मैं आखिर में एक चीज़ कहूँगा, ये जो घबरा के अफरा तफरी एक माशरे में मचती है, और इसमें मैं मीडिया को आज फिर कहूँगा कि आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है आपका, कि ये अफरा तफरी आपने नहीं फैलने देनी। इसका ज़्यादा ख़तरा है हमारे माशरे को ये जो कोरोना वायरस है। अगर हम मिलके ये कौम, मेरी अवाम, हुकूमत, हम एहतियात कर लें, हम डिसिप्लिन कर लें, इंशाल्लाह हम जिस तरह चाइना ने काबू पाया है, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इस कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा लेगा। पाकिस्तान पाइंदा।